हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जिनेन, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कमोडिटीज की। हो गई जिम विम करके आ गया हूँ, बाजार जहां छोड़ के गया था वहीं पर खड़ा हुआ है। आप लोग जिम जा रहे हैं कि नहीं? पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सभी लोग जिम जाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं तो कितना सीरियस हूँ अपनी हेल्थ को लेके। क्या आप सीरियस हैं? नहीं है तो हो जाइए। वेल्थ के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो। बस ये एक मैसेज है, चालू कर दीजिए। हम सब व्हाट्सएप में डिस्कस करते हैं कैसा चल रहा है जिम, क्या नहीं चल रहा है, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को मार्केट के लिए, वेल्थ के लिए और हेल्थ के लिए। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्रूड को सुबह आप लोगों को कहा था कि कुछ करने का नहीं है, आज इसकी एक्सपायरी है। क्रूड नेचुरल गैस था, एक 143.30 का हाई लो पोस्ट कर दिए है, खूब भर भर के पैसा कमाए हो। पहले क्रूड को ले लेते हैं, पहले क्रूड को लेके क्रूड को ख़त्म कर देते हैं। क्रूड को आप लोगों को बाय करना है 4135 और 40 के बीच में, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 4135 और 24 के आसपास, 3540 के बीच में बाय करना है। 47 का लो है, माल मिला तो मिला, नहीं तो कूद कूद के बाय सेल नहीं करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, बाजार बुढ़ा होता है, हम बुढ़े होते हैं, हर बार मैं गलती बोलता हूँ, हम बुढ़े होते हैं, बाजार बुढ़ा नहीं होता। आज काम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल मुनाफा बनाएंगे, लेकिन करेंगे तभी जब बनेगा पैसा खरा खरा। क्रूड आप लोगों को 3540 के बीच में बाय करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सिर्फ 19 रुपये का, 4219 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर 4219 का स्टॉप लॉस हो जाता है तो वहाँ पर डबल सेल करना, स्टॉप लॉस उस समय रहेगा 36 का, यानी अगर 35 में बाय करते हो तो 19 का स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर 19 का स्टॉप लॉस हो जाता है तो 19 में वापस सेल कर दो, स्टॉप लॉस लगाओ 36 रुपये का। अब अगर बाय करते हो तो उसका टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 65 का, यानी 35 में बाय करो, 65 में सेल करो, ऊपर दूसरा टारगेट 40-20 तक का, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो। और अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप डबल सेल करते हैं 19 रुपये में, तब उस केस में आप लोगों के टारगेट होते हैं 4060 के और 4035। ये हुई क्रूड की बातचीत। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में कितना मुनाफा कमाया आप लोगों ने, चीख चीख के आप लोगों को बचाया कि नहीं बचाया? 160 में आया तब भी सेल करने बोला, 161, 162, हर बार ये बोलता रहा कि सस्ता दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ जो होने वाला होता है। देखिए नेचुरल गैस में हर एक बंदा बच गया मेरी वजह से। क्रेडिट तो ले सकता हूँ ना थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को बचाता हूँ तो, नहीं तो आप लोग बस उस मेरी बातों को अदर वे में लेके बोलने लगो कि अरे ये तो हवा में उड़ने लगा। नहीं, क्रेडिट आप लोग भी देते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए, मेरे को अच्छा लगता है और अच्छा काम करने का मन करता है। नेचुरल गैस नीचे के तो टारगेट आप लोगों को पता ही है, 144 का पहला लेवल था, 143.30 का लो लगा दिया है वन, और इसके बाद अब 141 आप लोगों को लेवल बता देता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है आज अगर आज है तो 4220 में एक सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद तो सीधे 136 के आप लोगों को टारगेट दिए हुए हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड मुझे एक अच्छा लग रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी चल रहा है 836 रुपये, इसको 760 के आसपास बाय करो, 760 और 775 के बीच में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करो आप इसका 599 का, बड़ा स्टॉप लॉस है देख लो, मैं तो अपनी रिकमेंडेशन शीट में नहीं लूँगा इसको। 599 का स्टॉप लॉस है, 770-775 के आसपास बाय करना है, और 40,050 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड कुछ बैठ नहीं रहा है, और अननेसेसरी कोई भी स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके फ़ायदा नहीं है, पैसा कमाया हुआ है क्यों उसको रिस्क में डालना। लेकिन स्टॉप लॉस वही बनता है, 599 का स्टॉप लॉस बनता है, और 40,100 तक के टारगेट बन रहे हैं, 40,100 तक के टारगेट बन रहे हैं। अगर आप लोगों को रिस्क लेनी है तो 770 के आसपास बाय कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो कोई मतलब नहीं है, आप लोअर लेवल में बाय करो इसको आप हाँ, अगर ये 650 के आसपास मिलता है आप लोगों को तो वहाँ पर ज़रूर बाय इनिशिएट करना चाहिए 599 के स्टॉप लॉस से। अगर वो रेट आ जाते हैं 650 के आसपास के
तो मैं उसको अपनी रिकमेंडेशन शीट में ले लूँगा। लेकिन आज वीकेंड है, वीक सेलिब्रेट करेंगे, खूब पैसा कमा के बैठे हुए हैं, क्यों जबरदस्ती मगजमारी करना। तो गोल्ड में मेरी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है, आप लोगों को लेवल्स बता दिया हूँ। 760 के आसपास अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। 40,150 के लिए 599 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। ट्रेंड हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के इनिशियल दो तीन दिन थोड़ा अप रहे, शुरू के दो तीन दिन। क्रूड में एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी क्या, कल मैंने आप लोगों को बोला था रात की वीडियो में 80-90 के आसपास आए तो बेचिएगा। आज का हाई देखिए 97 का है और कल से बाजार यहीं रुका हुआ है। कल 75 का हाई था, आज 97 का हाई पोस्ट किया है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है बाजार मेरी कहीं भी रेंज में चल रहा है। तो ये होते हैं लेवल्स के कमाल। सिल्वर का बाय पोजिशन जो बनता है, बढ़िया वाला बाय यानी वैल्यू बाय, वो आप लोगों का बनता है 350 के आसपास। 350 के आसपास मिलता है तो इसको बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आज का इसका लो है 487 का और स्टॉप लॉस 249 का, 350 यानी 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए और टारगेट एक्सपेक्ट करके चलिए 47,000 के आसपास, 46,950 तक के। अच्छा 46,970 का तो आज हाई लगाया हुआ है, तो इसके 40 अगर लोअर लेवल में मिलता है तो आप उसको 350 के आसपास बाय करते हैं तो पहला टारगेट होगा 600 का और दूसरा टारगेट होगा 900 का। यानी 350 में अगर आप बाय करने में सफल हो जाते हैं 249 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और 600 रुपये का टारगेट, 350 से 600 रुपये 250 रुपये होता है और वहां से अगर ऊपर 600 रुपये को कन्विंसिंगली क्रॉस कर देता है तो ये वापस से 900 रुपये तक आ सकता है। तो ये हुई हमारी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर की चर्चा। क्रूड में एक ट्रेड ठीक बन रहा है जो रिस्क रिवॉर्ड को मैच करके देता है, बाकी गोल्ड और सिल्वर इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठते हैं। मैं आप लोगों को कोई ऐसे ट्रेड नहीं कराना चाहता हूं जो स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आए, और ऐसे कोई ट्रेड नहीं करवाना चाहता हूं या रिकमेंड करना चाहता हूं जहां पर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जस्टिफाई ना होता हो। काम करो तो ऐसा करो कि 2-3-4 रुपये आने के हों और सिर्फ 1 रुपये जाने की गुंजाइश हो, वो होता है सक्सेसफुल ट्रेडर, वो होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर। नहीं तो शांत बैठो, घर में पैसा पड़ा हुआ है, क्यों जबरदस्ती कूद कूद के बाय सेल करना। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों ने इस मार्केट में अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को तोड़ा हुआ है। फिर मिलूँगा, बात करूँगा, अब तो आज वीकेंड हो रहा है। मेरी परफॉर्मेंस की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से आप लोग अपने लेजर को मैच कर सकते हैं और अपनी कमियों को निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी कमियों को निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है तो समझ जाओ आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज कमा लोगे, कल कमा लोगे, परसों कमा लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा फिर आप लोग पैसा सारा कमाया हुआ खो दोगे। चलिए, नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ और मैं रखता हूँ सबको कायदे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।